दुर्गा के पिछले कारनामों के बारे में समाज सोच पाएगा। कलाकार हमारे गाते हैं कि माई का मनवा रूपवा मोहला, यही संस्कार है। बेटा कहेगा कि माई का मनवा रूपवा मोहला, माई के अधर लाल, माई के चुनरिया चटकार बा। बेटा माई के चुनरी, माई का ओठ, माई का रूप निहारी। लेकिन वो बेटन के का कहीं, वो बेटन के माना वालन के और सोना वालन के जी। इसीलिए हमने कह दिया कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को पशु बना दिया गया है। सुनो, जैसे भैंस के खूंटा में बांधा वो पूरा अपन पगुरी माकल करेले, वही बीन बजावा, हारमोनिया बजावा, जवन जवन बजावा, ओके कोनो असर होखा वाला ना है। वही गति आज हमारे समाज की है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, यानी कहना आप ये चाहते हैं कि व्रत और इस सब के नाम पे सब यार बेकार है, सबको भरमा दिया गया है। बिल्कुल भरमा दिया गया है, कुछ नहीं है ये। आदमी 9 दिन खाएगा नहीं तो बताइए कि शरीर से कमजोर होगा कि नहीं होगा। तई दुर्गा के खुश होकर खाती। अब दुर्गा माता खुश होकर के क्या क्या की है, अब तक इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। देवी देवता 33 करोड़ थे जी, लेकिन मुगल भी आए, औरंगजेब भी आए, अंग्रेज भी आए, लूटते रहे, पीटते रहे, मंदिर गिराते रहे, मंदिर ढहाते रहे, लेकिन किसी देवी देवता ने हिफाजत देश की नहीं किया जी। देश की हिफाजत तब हुई कि जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर आए जी, पढ़े, लोगों को पढ़ने का तरीका बनाए, पढ़ लिख कर विद्वान बने, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, तब इस देश में सबको आज़ादी मिली और देवी देवताओं को भी आज़ादी मिली। जैसे राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश पर जी। कोर्ट कैसे चलता है? संविधान के हिसाब से। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब अंबेडकर जी। तो राम को भी न्याय बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ही मिला। राम कितना बड़े महारथी रहे, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया जी। तो क्यों माने भाई देवी देवताओं को? यानी आप इसीलिए नहीं मानते? देवी देवता हमारे लिए है, हमें किसी से डरना है तो डरने वाले हो हमारे देवी देवता, हमारी माता अर्थात हमारे पिता। वो हमारे देवी देवता, हम उनसे डरेंगे। हमको जन्म देने वाला, हमको पढ़ाने वाला, हमें संपत्ति प्रदान करने वाला, खून को पसीने में ढार के हमारे पिता, उनसे बड़ा देवता कौन है? देवता देने वाले को कहा जाता है, लेकिन यहाँ देवता उसे बताया जाता है जो बराबर खींचता है माल, जो खुद भीख मंगा है, जो खुद पैसा दूसरे से लेता है, जो खुद दूसरे की पूरी मलाई खाता है। उसे डरने की क्या बात है? हम क्यों डरे उससे? उसे हमसे डरना चाहिए कि कहीं ये सब नाराज हो गए तो हमको पैसा या पूरी या मलाई या हलवा या लड्डू चढ़ाना बंद कर देंगे। तो उनसे हमारी क्या डर है भाई? सर जहाँ तक पैसे और हलवा पूरी की बात रह गई, देवी देवता तो खाते नहीं, वो तो एक विशेष धारणा बनी है कि पंडित जी आएंगे और देवी देवता जो चढ़ावा रहेगा वो लेके जाएंगे। तो वही बात है ना, तो हम क्यों डरे? हमने ये गीत गाया था कि पुरखन के अपने पंडित देवता बतावन, पूरा देश सुनाई से, इसीलिए गाए थे। देवी देवता उनके कल्याणकारी हैं, हमारे नहीं है जी। हमारा कल्याण हुआ, हमारा सम्मान हुआ, हमें अधिकार मिला। आज हम जिस हैसियत में हैं, सिर्फ एक देवता है बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की वजह से मिला है। सर आप कब से नहीं मानते हैं? कब से नहीं मानते? जब जान गए जी। जब जान गए, जानने में तो पूरी समय हमने बिता दिया, लेकिन बहुत थोड़े ही दिन से जब हम सत्य का अध्ययन शुरू किए कि वास्तव में सत्य क्या है, तो हमसे लोगों ने कहा कि अगर सत्य को तलाशना है तो आप तथागत बुद्ध को पढ़िए जी। तो हम कहे कि बुद्ध को क्यों पढ़े, तो हमें पता चला कि बुद्ध को पूरी दुनिया में 58 देशों ने अपना भगवान माना है। तो ठीक है, शादी अगर नहीं हुई है तो सिंदूर छूना पाप है जी, और शादी हो गई है तो सिंदूर लगाना भी अनिवार्य है जी। दुर्गा माता के सिंदूर चढ़ाला, सिंदूर टिकाला, सिंदूर लगावल जला, उनका श्रृंगार चलाला, कोई बात करेगा इस पर कि जिस कन्या की शादी नहीं हुई है उसका श्रृंगार किस लिए हो रहा है, जिस कन्या की शादी नहीं हुई है सिंदूर से टीका क्यों जाता है उसे? समाज सोच पाया कभी इस पर? दुर्गा माता किसकी बेटी थी, इस पर बहस एक दिन हो गई। लोग कहे अंश से पैदा थी। अब ये नहीं समझ में आता यार कि कैसे कैसे ये लोग पैदा करते हैं। ये देवताओं के अंश से पैदा हुई और सारे देवताओं ने उनको हथियार दिया। क्यों दिया? महिषासुर को मारने के लिए जी। लेकिन जब ललई यादव के रामायण में पहुंचते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर के तर्क पर पहुंचते हैं, यादव शक्ति पत्रिका में हमने जो पढ़ा उसका मतलब कुछ और ही है। तो किसका लिखा माना जाए? वो ये कहते हैं कि दुर्गा भेजी गई थी राजा महिषासुर को मारने के लिए। जब 9 दिन बीत गया राज दरबार में तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया। गुप्तचरों ने बताया कि क्या करने आई हो, क्या कर रही हो। तब 9वें दिन उन्होंने महाराजा महिषासुर का वध किया और महाराजा महिषासुर का वध करके जब वहां से दुर्गा निकल गई तब उसे देवी के रूप में स्थापित किया गया। ये कहानी मिलती है। मैं कोई अपने घर से जोड़ करके कोई थोड़ा कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, जो मिल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। बस ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा सही है, क्या सत्य माना जाए? अंश से कैसे कोई पैदा होता है जी। आज भी लोग अंश से पैदा करके बताएं। अंश का मतलब ये हो गया, जहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया जब तर्क लगाया, अंश का मतलब कि सारे लोगों ने मिल करके उसे तैयार किया जी। दुर्गा तो थी किसी की बेटी, सारे लोगों ने मिल करके तैयार किया, उसको प्रोत्साहन किया कि राजा महिषासुर का वध करो तुम, क्योंकि मूल निवासी राजा है और ये राजा जो है पाखंड को नहीं मानता है, और जब तक पाखंड नहीं मानेगा तब तक यहाँ पर हम लोगों का रहतब नहीं है जी। तो का हुई तो जाओ उसके दरबार में नौकरी के बहाने। वहाँ नौकरी के लिए माता दुर्गा गई है जी, काम करने के लिए गई। 9 दिन बिताई जी और 9वें दिन राजा का उन्होंने हत्या करके वहाँ से निकल गई। ऐसा हमने यादव शक्ति पत्रिका में पढ़ा। यानी दुर्गा कोई आदिशक्ति माता नहीं थी? नहीं यार, कुछ नहीं थी। लोगों के दिमाग में ठूस दिया गया, उनका ब्रेन वॉश करके बता दिया गया कि याद शक्ति माता है। यानी व्रत रखना, हम ये बताइए हमको कि याद शक्ति माता अगर सबसे बहादुर है वो, तो हथियार किसके लिए लिए? 8 हाथ में 8 प्रकार का हथियार है, किसको मारने के लिए? इसका मतलब कि याद शक्ति नहीं थी, उनसे भी बहादुर कोई था, उसे मारने के लिए उन्होंने ली थी। कहीं ना कहीं दुर्गा को भी किसी से डर थी, इसलिए वो हथियार रखती थी जी। तो डर जिसके मन में है वो याद शक्ति हो नहीं सकता जी। और मारने के लिए हथियार लिया है तो उसे हिंसक कहा जाएगा, उसे भी देवी ओबी नहीं कहा जाएगा। सर, आप हमारे चैनल पे आए और नवरात्रि के 9 दिन व्रत का खंडन बहुत पुरजोर तरीके से किए। शायद लोगों के समझ में भी आ जाएगा कि व्रत रखना एक मानसिक गुलामी है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम।